हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, करियर गुरु और खास तौर से एक एक्सपोर्टर भी। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप ड्राई कोकोनट को एक्सपोर्ट करते हैं तो कितना फ़ायदा होगा और क्यों एक्सपोर्ट करना चाहिए। बहुत ही अच्छा मार्केट है। क्या है कि हम जब एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन का, जिसके लिए हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उसको देखें तो लगभग 125-150 प्रोडक्ट उसके अंदर आपको मिल जाएंगे और लगातार वो हम वीडियो बनाते रहते हैं और उसमें वीडियो ऐड ऑन करते रहते हैं, तो आपकी ये भी समस्या हल हो जाएगी। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है उसमें भी हमारी प्रोडक्ट सिलेक्शन की, इम्पोर्ट अगर करवाना है या एक्सपोर्ट करना है, तो स्पेशल वैल्यू एडेड क्लासेस होती हैं जिसमें हम मैक्सिमम उन प्रोडक्ट्स को आपको बताएंगे जिसमें कम से कम 50-100% मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा। आज उसी तरीके का एक प्रोडक्ट आपके सामने लेके आया हूं, जिसे बोलते हैं ड्राई कोकोनट, जिसे आप गोला भी बोलते हैं और भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं क्यों है इतनी ज़्यादा डिमांड ड्राई कोकोनट की। अभी आपको बताऊंगा कि कौन सी कंट्री में आप उसको एक्सपोर्ट करिए, कौन सी मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज़ है, कौन सी कंट्रियाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, बहुत ही फ़ायदे का सौदा है, सरकार क्या क्या इंसेंटिव दे रही है, कौन सी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें RCMC या रजिस्ट्रेशन इसका करवाना चाहिए। चलिए बात करते हैं ड्राई कोकोनट की। सबसे पहले फ़ायदा, देखो, कैंसर के रिस्क से आपको बचाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम आपका डेवलप करेगा। जैसे कि अभी कोरोना आया था पिछले सालों, तो सबकी इम्यूनिटी जो थी वो वीक होती जा रही थी और जिसकी इम्यूनिटी वीक थी उसको ज़्यादा पकड़ रहा था कोरोना, तो यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्या है, जो सपोज़ करो MNC में काम करते हैं, जैसे सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठने का काम होता है, लैपटॉप का काम होता है, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है कि हाँ, आप अगर ये ड्राई कोकोनट या उससे बना हुआ ऑयल या उससे रिलेटेड चीज़ को इनटेक करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ड्राई कोकोनट की बात करूँ तो ये बहुत ही हेल्दी होता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, दिमाग बहुत अच्छा तेज़ करता है, रिच एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी एक तरीके से जो हमें थकान होती है जब हम काम करते हैं वो उस थकान को दूर करता है, हमारे शरीर के अंदर बहुत चुस्ती बनी रहती है। यानी ये जैसे होते हैं ना, हम हमेशा अपने आप को यंग फील करते हैं, ये थकान वो बुढ़ापे से थोड़ा एक तरीके से आपको बहुत दूर रखेगा, तो यानी ये इसके मेजर फ़ायदे हैं। और बहुत ही बड़ा मार्केट है इसका। अगर मैं इसकी मार्केट की बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड मार्केट इसका $13 बिलियन का है। हाँ दोस्तों, मिलियन नहीं, $1 बिलियन का। और ये रेगुलर बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। एक्सपेक्टेशन ये है 2027-28 यानी लगभग 4-5 साल के अंदर ये लगभग आज की डेट में जैसे $13 बिलियन का है, ये लगभग 32-35 बिलियन का पहुंच जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड डिमांड इतनी क्रिएट हो रही है। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट के लिए। और सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि इसमें आपको कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ग्रोइंग मार्केट है। देखो, कंपटीशन कहाँ होता है, जहाँ पे सपोज करो बायर कम है, सप्लायर बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली कंपटीशन वही होगा ना। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो कंपटीशन नहीं है, तो आप भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसकी जो डेवलपमेंट बोर्ड की, यानी जहाँ पे आपको इसकी मेंबरशिप लेनी है, तो आप अपीडा में भी जा सकते हैं, क्योंकि फूड प्रोडक्ट है। एक सरकार ने कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया हुआ है, coconutdevelopmentboard.gov.in। तो दोस्तों, उस कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की आपको मेंबरशिप लेनी है, शॉर्ट फॉर्म उसकी CBD होती है, आप गूगल पे डालेंगे आपके सामने आ जाएगा। तो ये ज़रूरी है, मैंडेटरी जो स्टेप है ना, वो आपको सिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीखना है तो प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं इसका HS कोड की। इसका HS कोड है 1203000। तो ये HS कोड है, और आप भी जब हम बताते हैं तो ये HS कोड को चेक भी ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपको भी पता लगता रहे कि HS कोड होता क्या। अगर जिन लोगों को HS कोड नहीं पता तो हमारे पुराने वीडियो देखिए, उसमें हमने HS कोड में के बारे में बताया हुआ है। हार्मोनाइज सिस्टम कोड इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए आगे बात करते हैं इसकी। अब जैसा कि हमने कहा, मार्केट बहुत अच्छा है, सबसे पहले ये भी बात करते हैं कि देखो यार, मैं एक्सपोर्ट तो करूँगा, बट सरकार मुझे क्या क्या इंसेंटिव दे रही है। दोस्तों, सरकार, अगर मैं ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करूँ तो 0.15%
आपके जो कमर्शियल इनवॉइस पे दे रही है, तो ये आपको सरकार से बेनिफिट मिल जाएगा। अगर मैं रोड टैप की बात करूँ, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, तो इसमें आपको लगभग लगभग 1% तक का जो आपकी FOB वैल्यू है उस पर आप इंसेंटिव ले सकते हैं। और अगर मैं इसमें TMA ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, जो एक सरकार की एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है, उसकी बात करूं, तो लगभग लगभग 18,900 रुपये एक 20 फुट के कंटेनर पे दे रही है। दोस्तों, जब आप एक्सपोर्ट इंसेंटिव के बारे में जानेंगे या ऑनलाइन देखेंगे, तो उसमें TU लिखा होता है, TEU और FEU। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, TEU का मतलब 20 फीट कंटेनर, 20 इक्विपमेंट यूनिट्स इसकी फुल फॉर्म होती है, और 20 फीट कंटेनर के बारे में बोला जाता है इसको। और FEU का मतलब 40 फीट कंटेनर, 40 इक्विपमेंट यूनिट्स, यानी जहाँ पे आप TEU देखें वहाँ पे आप समझ जाए 20 फीट कंटेनर, और जहाँ पे आप FEU देखें तो वहाँ पे समझ जाए ये 40 फीट कंटेनर है। तो अब अगर मैं बात करूँ, सपोज़ कीजिए, ये तो मैं बाय शिप भेज रहा था, अगर मैं बात करूँ बाय एयर भेजना है, तो 1.68 रुपीज़ पर KG आपको ये इंसेंटिव मिल जाएगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसेंटिव बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रोडक्ट के इंसेंटिव बढ़ाने हैं, किस प्रोडक्ट के इंसेंटिव घटाने हैं। और कई बार क्या होता है, सरकार एक्सपोर्ट में कुछ प्रोडक्ट को बैन भी कर देती है, क्योंकि यहाँ पे उसका इतना प्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ पे उस प्रोडक्ट का प्राइस आसमान छूने लग जाता है। तो जब भी आप काम करें, आप प्रेजेंटली आज क्या चल रहा है इंसेंटिव, आज सरकार की कौन सी स्कीम है, उस अकॉर्डिंगली काम करें। जैसे एक सरकार की स्कीम है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, उसमें भी सरकार क्या करती है, जब आप लोन लेते हैं तो उसमें रिबेट देती है, तो कुछ प्रोडक्ट पे मिलता है, कुछ प्रोडक्ट पे नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। अब जैसे हमने रोड टैप की बात की, इंसेंटिव की बात की, इस पे 1% है, किसी पे 2 भी हो सकता है, किसी पे 3 भी हो सकता है, किसी पे 0.5 भी हो सकता है। तो ये ध्यान में रखिए, ऐसा मत सोचिए कि यार जो इंसेंटिव है वो हर प्रोडक्ट के फिक्स हैं, तो ये ध्यान में रखना। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो देश इम्पोर्ट कराते हैं इसको, वो कौन से देश हैं, और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं वो कौन से देश हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन है और हमारी मार्केट कौन कौन सी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेजर इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ की। उसमें सबसे नंबर 1 है चाइना। चाइना लगभग लगभग 271 मिलियन $ का लगभग इम्पोर्ट करता है। और अगर उसके बाद बात करें तो थाईलैंड है, तो थाईलैंड लगभग लगभग आपका 156 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद है यूएसए लगभग 130 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद है मलेशिया लगभग 88 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद है नीदरलैंड लगभग 67 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की। भाई, ये भी बात हमें जानना ज़रूरी है कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहला कॉम्पिटिटर है इंडोनेशिया, जो अकेला 405 मिलियन $ का एक्सपोर्ट कर रहा है। अरे बाप रे, 405 मिलियन डॉलर। और उसके बाद बात करते हैं फिलीपींस की, जो कि दूसरे पायदान पे है, वो है कर रहा है 283 मिलियन $ का। उसके बाद थाईलैंड भी कर रहा है 197 मिलियन $ का। बहुत से ऐसे देश हैं जो इसको इंपोर्ट भी कराते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। वियतनाम की बात करूं तो 157 मिलियन $ और उसके बाद है श्रीलंका, जिसकी हालत बहुत ही ख़राब है इस समय आपके सामने है, तो वो लगभग लगभग 97 मिलियन $ का एक्सपोर्ट कर रहा। तो दोस्तों, ये था ड्राई कोकोनट। दोस्तों, लगातार हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आगे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड सारे वीडियोस लगातार हमारे डलते रहते हैं, लगभग लगभग रोज़ ही वीडियो डलते हैं। तो रोज़ सुबह सुबह उठिए, नॉलेज लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए। और अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारी स्टेट वाइज वर्कशॉप होती है, आप दिल्ली भी आ सकते हैं, वहाँ पर आपको रहने खाने की सुविधा भी दी जाएगी। सामने जो नंबर आ रहा होगा उस पर कॉल करिए, और प्रैक्टिकली ऑफलाइन या ऑनलाइन चॉइस आपकी है, किसी भी तरीके की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, दोनों तरीके हम प्रोवाइड करते हैं। प्लस ऑफलाइन करेंगे या ऑनलाइन करेंगे, दोनों में ही हमारी पोर्ट विजिट होती है। प्रैक्टिकली आपने देखे होंगे हमारे वीडियो, नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखिए। प्रैक्टिकली हम पोर्ट विजिट कराते हैं, कोल्ड स्टोरेज विजिट होती है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर विजिट होती है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और ऐसा ही अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद। सामने जो है ये 20 फुट LCL कार्गो है, ये एक एक करके अलग अलग प्रोडक्ट है इसके अंदर। इधर आ, ये देखो, ये फॉर्कलिफ्ट से सारा भरा जा रहा है अलग अलग। आपने पूरा कंटेनर बुक कराया लेकिन कुछ स्पेस रह गया। अभी हमने देखे अंदर बॉक्सेस भरे जा रहे थे, अब क्या है अगर कंटेनर पे स्पेस रह गया और आपने देखा वहाँ से क्रेन उठा रही है, मतलब जो भी टेबल्स हैं या नट बोल्ट्स हैं वो उसके लिए पैलेट्स बना सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे बनाते हैं पैलेट। और ये जो आपका एशिया का बिगेस्ट ड्राई पोर्ट है, ठीक है, ये 1989 में इसको किया गया था लेकिन 1993 में यहाँ पे प्रगति मदद से शिफ्ट हुआ था। We'll be right back.